बैठिए। थैंक यू। तो बोलिए नाना जी, क्या दिक्कत है आपको? पेट में जलन हो रहा है डॉक्टर। अच्छा, फिकर मत कीजिए, मैं आपको गोलियां लिख के दूंगी। नहीं डॉक्टर, गोलियां मत देना, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। पर क्यों? हाथ कांपता है डॉक्टर, गोली अगर मुंह में डालने गया तो नाक पे जाके अटक जाता है। ठीक है, तो फिर मैं आपको पीने की दवा दूंगी। दवा भी मत देना और इंजेक्शन भी नहीं देना। क्यों? बीवी डांटती है। दवा लेके जाए तो बीवी क्यों डांटती है? मैंने ना एक बार ब्रांडी का बाटल दवा बोल के दिखा के उसको उल्लू बनाया था, इसीलिए कोई भी बाटल में लेके जाता हूँ ना वो ब्रांडी ही समझती है। वो ठीक है, पर इंजेक्शन क्यों नहीं चाहिए आपको? बहुत दुखता है, एक बार ना इंजेक्शन लिया था तो तुरंत टायर का दुकान जाना पड़ा। क्या, टायर का दुकान? वहाँ क्यों? वो नर्स ने जो छेद किया था ना उसका पंचर लगवाने। देखिए नाना जी, ये सब छोड़िए, आप ये बताइए आपका जलन कब से शुरू हुआ? तब से जब मेरा पड़ोसी ने एक नया कार खरीद की। इस उम्र में ऐसी जलन गलत है नाना जी। तो किस उम्र में जलना ठीक है डॉक्टर साहिबा? नाना जी, आप मेरा क्लिनिक का टाइम बर्बाद मत कीजिए, बाहर पेशेंट्स वेट कर रहे हैं मेरा। साफ साफ बोलिए आपको क्या प्रॉब्लम है। उम्र बढ़ रहे डॉक्टर। नाना जी, मेरा दाएं पैर में बहुत दर्द है डॉक्टर जी। वो तो बुढ़ापे के कारण होता है। क्या बोलते हो डॉक्टर, मेरा बाया पाँव में भी उतना ही उम्र हुआ है तो वो क्यों नहीं दुखता है? बात वैसा नहीं है नानू, आप जिस पर ज्यादा वजन डालते हैं वो ज्यादा दुखता है। तो वजन इस वॉकिंग स्टिक पे लगाता हूँ, इसी को पेन बम लगाऊं क्या? नाना, आप डॉक्टर लोग ही ऐसा है। कैसे? पैसा है तो हाँ हाँ, नहीं तो नाना। नाना, आपका क्या प्रॉब्लम है बोल दीजिए प्लीज। तेज से भागने से दिल की धड़कन बढ़ती है। इस उम्र में आप तेजी से भागते हैं क्या? मैं नहीं। तो आप जैसी एक खूबसूरत लड़कियां भागती है, मेरा दिल धक धक करके जोर से दौड़ता है। नाना प्लीज बी सीरियस। क्यों डॉक्टर, सीरियस हो तो आईसीयू में डाल के पैसा हड़पने का इरादा है क्या? नाना सीरियस मतलब वो नहीं। खैर, आप यहाँ क्यों आए हैं आप ये बोलिए, बाहर पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। बोला ना, पैर में बहुत दर्द है। ठीक है, मैं आपको एक सर्जन का नाम लिख के दूंगी, आप उनके पास। ना 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 ना, सर्जन ना। क्यों? एक कहावत नहीं सुना है क्या, सज्जनों के साथ उल्लास, सर्जनों के साथ फुल लॉस। वैसा क्या हो गया? स्टमक ऑपरेशन, मेरा दोस्त को कुछ ही देर में अंदर से कुछ छुप रहा था, स्कैनिंग में एक सुई दिखाई दिया। भाई मिस्टेक ऐसा हुआ होगा, फिर से ऑपरेशन करके वो निकाल देंगे। नहीं तो वो पेट के ऊपर एक मैग्नेट रखा है, वो सुई हिलते नहीं है तो दर्द नहीं है। अंदर ही अंदर जंग लग जाएगा। नो चांस, दिन में 2-3 बार दारू पीता है। दारू पीने से जंग जाता है क्या? लीवर ही जाता है तो जंग नहीं जाता है क्या? नाना जी, दारू दवा नहीं है, ये बात आप याद रखिए। वैसे आप अपना पैर जो है एक सर्जन को दिखा दीजिए। नहीं नहीं। क्यों? मेरा घर के सामने एक सर्जन ने बोर्ड लगवाया है, ऑपरेशन के साथ अंत्य संस्कार मुफ्त। नाना जी, आप इन सब बातों को छोड़ दीजिए, मैं आपको आयुर्वेदिक दवा दूंगी। मीठा वाला चूरन नहीं देना डॉक्टर। आपको दारू पीने की आदत है क्या? अब नहीं, दारू पीने से सर्दी लगता था। ड्रिंक से सर्दी, ये तो अजीब बात है। ये क्या है कि जब भी मैं पी के आता था, मेरे बीवी मेरे सर पे पानी डालती थी, तब मुझे सर्दी लगता था। फिर ड्रिंक्स नहीं है, अच्छी बात है। ज्यादा तीखा खाते हैं क्या? डॉक्टर साहिबा, मेरा बीवी के बात का सामने मिर्ची भी मीठा लगता है। तो फिर बीवी की बातें सुनते हो? नहीं सुनेगा तो कान के ऑपरेशन करवा देती है। तो अच्छा है, ड्रिंक्स भी नहीं है, तीखी चीजें भी नहीं है। नींद अच्छी से आती है? रिटायरमेंट के बाद कुछ दिन नींद ही नहीं लगता था। बाद में? मैं ऑफिस में जिस कुर्सी पे बैठ रहा था उसी को घर मंगाया, उस कुर्सी को देखते ही कराटे मारना शुरू। ठीक है,
तो फिर जनरल हेल्थ अच्छा है। पैर का दर्द कब ज्यादा होता है? वीकेंड में डॉक्टर। वीकेंड? तब मेरी बीवी किटी पार्टी में जाती है। दर्द का और किटी पार्टी का क्या कनेक्शन है? मेरे घर के पीछे एक लेडीज हॉस्टल है। ठीक है, पर दर्द का, हॉस्टल का और पार्टी का क्या लिंक हो सकता है? जमीन पे खड़े होके देखने से वो लड़कियाँ दिखती नहीं है। तो एक सीढ़ी पे खड़कर जागता हूँ और एक पाव कंपाउंड पे रखता है तो दुखता नहीं है, दूसरा पाव सीढ़ी पे रहता है ना वो दुखता है। नाना, इस उम्र में लड़कियों को चोरी चोरी देखने की आदत, हाँ? इस आदत को कैसे छोड़ो डॉक्टर साहिबा, ये तो मेरा गोल्डन जुबली है। हाँ? आपका उम्र 50 साल है क्या? ये तो मेरा नहीं है, लड़कियों को देखना शुरू करके 50 साल हुआ, 16 उम्र में चालू किया, अभी मैं 67 हूँ। अच्छा, तो ये बात है, आपको क्या ट्रीटमेंट देना है अब मुझे पता चल गया। अपना घर का नंबर दीजिए। क्यों? किट्टी पार्टी घर में करने के लिए बोल दूंगी नानी को, तब आपका खेल खत्म और दर्द गायब। थैंक यू वेरी मच, मैं भी वही चाहता था। क्यों? इसकी किट्टी पार्टी में जो औरतें आता है ना, वो हॉस्टल लड़के से ज्यादा खूबसूरत है। ये लीजिए मेरा घर का फोन नंबर। गेट आउट। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, फिर मिलेंगे।